वेलकम टू द एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो इंटरनल एनाटॉमी का थर्ड सिस्टम होगा। अभी तक हम लोगों ने दो सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें पहला था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जिस जो सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो डायग्राम देख के शायद आपको समझ आ गया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, और सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये पूछना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अच्छा होगा कि आप इस डाउट को आज ही क्लियर कर लें। तो सवाल मेरा ये है कि रेस्पिरेशन या श्वसन मतलब क्या होता है। ठीक है, सोच लिया सबने। मैं ये बता सकता हूं कि बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में एक आंसर आया होगा कि रेस्पिरेशन अर्थात सांस लेना। क्या होता है रेस्पिरेशन अर्थात सांस लेना? मैं नहीं कह रहा कि सभी स्टूडेंट ने ये सोचा होगा, बट बहुत से स्टूडेंट ने ये सोचा होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों वर्ड्स को लिखते हैं। पहला है आपका श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन, और दूसरा है आपका सांस लेना मतलब ब्रीदिंग। क्या ये दोनों चीज सेम है? अगर ऐसा आपको लग रहा था या लग रहा है तो आप यहीं पे इस डाउट को मतलब क्लियर कर लीजिए। ये दोनों चीज सेम नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये एक दूसरे पे दोनों निर्भर है, पर दोनों अलग अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना क्या होता है। तो सांस लेने का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस होंगे आपके? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब गैसेस तो बहुत है, आप बोलोगे सर एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन भी है, एटमॉस्फेयर तो आर्गन भी है, ठीक है बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी कौन सी गैस होती है? दो गैस होती है, कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में हम जैसे ही टॉपिक को आगे बढ़ते जाएंगे आपका डाउट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो आपको बस ये समझना है कि ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना मतलब बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज होना। अब ये कैसे एक्सचेंज होगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है पता है? ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन के कण है ना उनको तोड़ना, विभाजित करना, किसमें? ग्लूकोज में। अच्छा, ग्लूकोज में क्यों विभाजित करें? क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम जो श्वसन कर रहे हैं वो अपने मजे के लिए कर रहे हैं कि चलो भाई सांस ले लेते हैं या फिर सीना फुला लेते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना। सांस लेने का या सांस लेने का भी कुछ रीजन होता होगा, एनर्जी मिलती है हमें, ये एनर्जी मिलती है तो हम क्या होता है थकते, जैसे होता है ना कि दौड़ते हैं तो क्या होता है हमारा सांस फूलने लगता है, मतलब जो गैस का कंसंट्रेशन है वो कम या ज्यादा होने लगता है, और यही रीजन है कि हमें सांस लेने में फिर दिक्कतें आने लगती है। ठीक है, पूरा चीज समझेंगे, बहुत आसानी है, बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको डिफिकल्ट लग भी रहा होगा तो आप नहीं लगेगा। तो दोनों चीज आपको समझ आएगी। अब ये मत बोलिएगा कि सांस लेना मतलब श्वसन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक ब्रीदिंग नहीं होगी तब तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, और जब तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपका ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, समझेंगे। साथ ही साथ रेस्पिरेशन में एक और चीज भी होती है कि सॉरी ब्रीदिंग में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब जैसे ऑक्सीजन अंदर गया वैसे हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं। ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की कुछ ऑर्गन्स होते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी सिस्टम पढ़ा है सब में अपने को पता है क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, वैसे ही रेस्पिरेशन में भी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से मतलब नाक से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल, इसको हिंदी में नासा क्षेत्र बोलते हैं ना। यहां से क्या होता है आपका जो एटमॉस्फेरिक गैस है ना वो क्या होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, कहां से एंट्री होती है, इनकी एंट्री पॉइंट क्या होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद ये कहां आते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। ये हमने कहां पढ़ा था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, और मैंने एक बार ये बताया भी था कि फेरिंग्स जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके फूड पाइप और आपके जो रेस्पिरेटरी पाइप दोनों को अलग करता है। ठीक है, दोनों को अलग करता है, कैसे अलग करता है ये ट्विस्ट है। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे अलग होता है। ठीक है, फिर जो आता है आपका कौन सा पार्ट आता है लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स को अपन हिंदी में वाशित बोलते हैं या फिर आपका स्वर नली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर नली। अब ये होता है क्या ये समझिएगा, ये जो आपका कंठ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जो अपना थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है यही आपका क्या कहलाता है लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स का क्या काम रहता है? ठीक है, लैरिंग्स का काम क्या है, जो आपकी एयर है जो आपका
वायु आ रहा है ना उसको एंट्री देना, कहां पे ट्रैक किया, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जो फूड पाइप है और जो आपका रेस्पिरेटरी पाइप है ये अलग कैसे होता है, ठीक है। तो ये अलग होता है, फेरिंग्स में एक लेयर पाया जाता है, क्या रहता है, एक लेयर पाया जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। कौन सी लेयर रहती है, एपिग्लोटिस की एक लेयर रहती है, ये याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जो आपका फूड पाइप है, ठीक है, जो आपकी खाद्य नली है और जो आपकी श्वसन नली है दोनों को अलग कर देती है। अच्छा ये जरूरी क्यों होता है, जरूरी इसलिए होता है कि मान लीजिए आपके श्वसन नली में अगर कोई खाना आ गया तो हो गया फिर जय सिया राम, चलो। ये होता भी है कभी कभार, आप देखेंगे कि कुछ खाते रहते हैं अचानक से कोई चीज आपके नाक में निकलती है ना एकदम अजीब टाइप लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, कुछ फंस गया नाक में। ये इसीलिए होता है कि जो आपका खाना है ना वो फेरिंग्स को पार करके जो ये एपिग्लोटिस है ना इसको क्लियर कर कहां जाता है, कभी कभार आपके लैरिंग्स में पहुंच जाता है और ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जो आपका एपिग्लोटिस लेयर है ये जरूरी है कि क्या करेगा, डिविजन करेगा आपके फूड पाइप में और आपके रेस्पिरेटरी पाइप में। अच्छा लैरिंग्स का मैं पूछ रहा था काम क्या होता है, लैरिंग्स आपका क्या है, इसको हिंदी में वाष्टिक बोलते हैं या फिर आपका स्वर नली बोलते हैं, जो आपका आवाज निकलता है ना कंठ से निकलता है ना, बोलते हैं ना कितना सुरीला आवाज इसके कंठ तो बहुत अच्छे हैं, तो यही आपका क्या रहता है, लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स में एक कॉर्ड पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, एक कॉर्ड पाया जाता है जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड क्या करता है, यही से आपका आवाज निकलता है। अभी आवाज कैसे निकलता है, यहां पे ना जो आपका लैरिंग्स है ना यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, अभी ट्राई कर लीजिए, ऐसा कुछ कीजिएगा यहां देखिएगा वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन से क्या होता है जो आपका साउंड है वो फिल्टर होके बाहर निकलता है। जो कुछ लोग बोलते हैं ना जिनका जो बोल नहीं पाते हैं, जो गूंगे होते हैं, उनका वोकल कॉर्ड ही क्या रहता है, डैमेज रहता है, यहां से आपका वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता, साउंड बाहर नहीं आती, फिल्टर नहीं होता, और इसी वजह से क्या आता है जो आपका आवाज रहता है वो निकलता नहीं है। या जो आवाजों में परिवर्तन भी होता है ना, किसी की बहुत मोटी आवाज रहती है, किसी की बहुत पतली आवाज रहती है, वो यहीं पे जो वोकल कॉर्ड रहता है ना यहीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब लैरिंग्स में क्या हुआ, आपका वोकल कॉर्ड था, ठीक है, वोकल कॉर्ड को छोड़ देते हैं, जो आपका एयर है वो यहाँ पे एंट्री लेगा, तो लैरिंग्स को हम बोल सकते हैं कि जो आपका ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, आपका लैरिंग्स है। अब वायु क्या होगी, यहाँ पे एंट्री होगी वोकल कॉर्ड पे आगे लैरिंग्स पे आगे, अब यहां से कहां जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो रहता है ना एक ट्यूबलर, ठीक है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर रहता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि आपका क्या रहता है, रिंग शेप में रहता है या सी शेप में भी इसको बोला जाता है। अब सी शेप और रिंग शेप क्या रहता है, मान लेते हैं ये एक रिंग है, इसको अगर मैं बी से डिवाइड कर दूं तो सी बन गया, दो सी, और इसी को अगर मैं ऐसे उल्टा मोड़ दूं इधर, ये देखो ऐसा रहता है कि आपका ट्रैकिया, ठीक है, क्या रहता है ऐसे आपका ट्रैकिया, ठीक है, समझ आ गया क्या है ट्रैकिया। अच्छा ट्रैकिया का काम क्या है, ट्रैकिया क्या करता है, ये पहली चीज तो मैंने बोला क्या रहता है आपका, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, सी शेप या रिंग शेप रहता है, ये ना स्प्रिंग जैसे रहता है, ठीक है, ये स्प्रिंग जैसे रहता है, ये ना ऐसे कम और ज्यादा होता है। अच्छा ये क्यों जरूरी है, सपोज मान लीजिए ये एक सीधी पाइप होती और गलती से चिपक जाती, क्या है, गलती से चिपक जाती, क्योंकि देखिए जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे स्प्रिंग होता है, सिकुड़ता और फैलता है, तो ये भी क्या रहते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं, और ये प्रोसेस कब होता है, जब एब्सेंस ऑफ आपका जो एयर रहता है ना, ये जो एब्सेंस ऑफ गैसेस रहता है, जब यहां पे वायु अनुपस्थित रहती है, एब्सेंट रहता है आपका, तो ये जो होता है ना ये दबने लगता है। अब सपोज मान लीजिए कि इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता, सीधा होता, तो क्या होता है, पचक जाता, और एक बार अगर ये पचक गया गुरु कुछ भी कर लो ये ठीक नहीं होने वाला, आप मर जाओगे, इसीलिए ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए आप स्प्रिंग को कितना भी दबाइए फिर जैसे ही छोड़ेंगे वो आपस अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाती है, वैसे ही यहां अगर आपका गैस कम है तो ये सिकुड़ भले जाएगा बट वापस ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे कि हमें तकलीफ नहीं होती है। देखिए भगवान ने हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सोच समझ के बनाया है, खिलवाड़ हम करते हैं, ठीक है, वो हमसे बड़ा इंजीनियर है, वो हमसे बड़ा डॉक्टर है, क्लियर है। तो ट्रैकिया समझ आया क्या रहता है, गैस यहां आती है और पंपिंग होने लगती है, ये कम और ज्यादा होने लगते हैं, ये जो ट्रैकिया है ये आगे बढ़ के ना दो हिस्सों में डिवाइड रहते हैं, ठीक है, लंग्स जो रहते हैं दो डबल साइडेड रहते हैं, ठीक है, एक ये लेफ्ट साइड रहता है, एक राइट साइड रहता है, ये डिवाइड कहां होते हैं, आपके ब्रोंकाई में, कहां डिवाइड होते हैं, ब्रोंकाई में, इसको श्वास नाल भी कहा जाता है, ठीक है, माफ कीजिएगा सॉरी, श्वास नाल ट्रैकिया को कहा जाता है, ब्रोंकाई को फुफ्फुस नाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है हिंदी में, फुफ्फुस नाल, ऐसे लिखते हैं ना,
फुफ्फुस नाल, ठीक है, फुफ्फुस नाल में ये, इसको फुफ्फुस नाल कहा जाता है। ये जो ब्रोंकाई है ना, ये आगे चल के और बहुत सारे क्या रहता है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, और हर एक शाखा को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूं आपको, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। ब्रोंकाई की स्पेलिंग क्या है आपकी, BRO, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, सॉरी ये स्पेलिंग है आपकी ब्रोंकाई की, ठीक है, सॉरी यहां पे एन मिसिंग है, NCHI होता है ब्रोंकाई। और ब्रांच की स्पेलिंग क्या होती है, BRANCH। इस आई को अगर आप हटा दो, देखिए इस नाम में कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है, यहाँ ओ है यहाँ ए है, ठीक है, बस इतने ही डिफरेंस है। ब्रांच मतलब क्या होती है, शाखा, और ब्रोंक्यूल्स मतलब भी क्या होती है, ब्रोंकाई की शाखा। ये भी एक शाखा ही जैसा है ना, मान लेते हैं ये तना है किसी पौधे का, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्लांट के केस में रिलेट कर लेते हैं। ये क्या है आपका, ऊपर का हिस्सा है जो आपके झाड़ी वाड़ी रहते हैं ना वो वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, स्टेम वाला हिस्सा है। स्टेम वाले हिस्से से आपका क्या हुआ, जो बहुत सारे ब्रांचेस निकले, फिर इन ब्रांचेस के और ब्रांचेस निकले, फिर उन ब्रांचेस के और ब्रांचेस निकले। अभी ब्रांचेस के बाद यहां जो आपको दिखेगा ना गोला गोला टाइप स्ट्रक्चर, ये क्या बना देते हैं, इनको अपन बना देते हैं फ्रूट, ठीक है, फ्रूट या फ्लावर बना देते। अब आपको स्ट्रक्चर बहुत इजी लगने लगा, पेड़ के जैसे दिख रहा है ना ये पूरा का स्ट्रक्चर। और इसीलिए लंग्स जो रहते हैं ये काम भी देते हैं, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है, आपका लंग्स ही करता है। कितना अच्छा सिमिलरिटी है ना, ठीक है, याद करने का अच्छा ट्रिक है। तो ये जो ब्रांचेस रहते हैं ना, जो ब्रोंकाई के जो अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं, इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के जहां एंड होता है ना, वहां ग्रेप शेप लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, ग्रेप शेप लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको एवियोली बोलते हैं, ठीक है, एवियोली बोला जाता है। अच्छा एवियोली जो रहता है ना, ये मान लेते हैं बहुत सारे एवियोली हैं, इनको ये जो एवियोली रहते हैं ना, ये एक सिंगल को क्या बोलेंगे, एवियोली। जब ये पूरा रहता है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, एवियोलस डक्ट, क्या बोला जाता है, एवियोलस डक्ट, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा एवियोली या एवियोलस जो आपका डक्ट रहता है, इसका काम क्या रहता है, यही काम करता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेस। यही आपका जो गैस है ना, इसको फिल्टर भी करता है और एक्सचेंज भी करता है। कैसे करता है, ये एवियोली के नीचे, ठीक है, ये एवियोली के नीचे क्या पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ब्लड, जिसको हिंदी में रुधिर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, गैस को ट्रांसफर करते हैं, ब्लड जो है ये एवियोली को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करता है, और एवियोली जो है ये ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ये कैसे ट्रांसफर करेगा, इस प्रोसेस को मैं समझाऊंगा। अब यहां पे जो ब्लड है, ये ब्लड जो रहता है ना, ये ब्लड फिर क्या करता है, इस जो आपके गैसेस है, जो ऑक्सीजन है, इसको कहां ट्रांसफर करता है, आपके टिश्यूज में, ठीक है। फिर टिश्यू में जाके क्या रहता है, जो आपका फूड मटेरियल है, जो ग्लूकोज है, वो बनता है और ऑक्सीजन बनते हैं। फिर वहां से क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपका वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। तो वाटर और एनर्जी को जो रहता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां भेज देता है, टिश्यू, ब्लड में। फिर ब्लड उसको कहां भेज देता है, एवियोली में, और एवियोली फिर वापस कहां भेजता है, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स कहां भेजता है, ब्रोंकाई में, और ऐसे करते हुए ये चीजें वापस से बाहर चली जाती है, ये चीजें वापस से बाहर चली जाती है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो रेस्पायरेशन है, ठीक है, रेस्पायरेशन है ना, वो दो टाइप की होता है। पहला रहता है आपका एक्सटर्नल, और दूसरा रहता है आपका इंटरनल, ठीक है। क्या रहता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का काम ये रहता है कि एटमॉस्फेयर, एक चार्ट है ना पूरे, इसको ऐसे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से आपका कहां गया, नॉस्ट्रिल में गया, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स से ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली। ये जो गैस का पूरा प्रोसेस चला ना, जो ट्रांसफर हुआ गैस कहां से, एटमॉस्फेयर से एल्वियोली तक, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल में क्या होता है, अब ये इंटरनल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनल कैसे स्टार्ट होगा, आपका एल्वियोली, एल्वियोली से कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहां जाएगा, टिश्यू में, टिश्यू से कहां जाएगा, आपका ऑक्सीजन प्लस फूड बनेगा। फिर ये क्या रहेगा, ये जो फूड रहेगा ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएगा, क्लियर है। ये जो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, ये जो आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी है ना, इसमें से H2O प्लस एनर्जी को
क्या करेगा, बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, बॉडी क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपका CO2 बच गया इसको वापस कहां भेज देगा आपके टिश्यू में, फिर टिश्यू से कहां जाएगा ब्लड में, फिर ब्लड से कहां जाएगा एल्वियोली में, फिर एल्वियोली से कहां जाएगा फिर ब्रोंकाई में। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपका एक्सटर्नल सिस्टम से जो आपका गैसेस है वो एंट्री लेती है, उसके बाद ये एंट्री के बाद ये कहां जाती है आपके ब्लड से होता हुआ टिश्यू से होता हुआ आपके बॉडी में जाती है, फिर बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां हो जाता है, कहां जाती है आपकी वापस से नॉस्ट्रिल से होती है बाहर। यही आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन है। अच्छा, ये जो बॉडी एब्जॉर्ब की ना, यही तो हमारा काम था, इसीलिए तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू ग्लूकोज टू क्रिएट एनर्जी एंड एब्जॉर्ब बाय बॉडी। यही तो था आपका, यही तो रेस्पिरेशन है। अब बात आती है कि ये शरीर के अंदर जो गैस है ये इनकी एंट्री, ये तो हमने देख लिया एंट्री कैसे होती है, इनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, पर ये गैसेस अंदर कैसे आते हैं? अब बोलोगे सर नॉस्ट्रिल के थ्रू आते हैं। हाँ, नॉस्ट्रिल के थ्रू ही आते हैं, पर सांस लेने की क्रिया, मैंने बोला था ना ब्रीदिंग, चलिए अब थोड़ा सा ब्रीदिंग पे आते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने क्या बोला था, रेस्पिरेशन विदाउट ब्रीदिंग इज नॉट, ब्रीथिंग इज नॉट पॉसिबल, बिना सांस लिए आपका जो श्वसन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ब्रीदिंग भी जो रहता है ना वो आपके दो हिस्से में डिवाइड रहता है। पहला हिस्सा रहता है आपका इंस्पिरेशन और दूसरा हिस्सा रहता है आपका एक्सपिरेशन। अब ये इंस्पिरेशन को ना आप वो वाले तरीके से मत ले लीजिए कि आपको इंस्पायर कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, वो वाला इंस्पिरेशन नहीं है ना, ये दूसरा वाला इंस्पिरेशन है। और इसको एक्सपायर को मत बोल दीजिएगा मरने वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या रहता है आपका, जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाती है, क्या होती है ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, और एक्सपायरेशन में जो CO2 है वो बॉडी के बाहर जाती है। क्लियर है? मतलब एक में क्या हो रही है, हम ऑक्सीजन को अंदर कर रहे हैं, और एक में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर कर रहे हैं या गैसेस को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। इसी को इनहेल और एक्सहेल, सुने आपने इनहेल और एक्सहेल। अब आप बोलेंगे क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जाता है? नहीं, इसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर जाता है, ठीक है। यहां भी जो इंस्पायरेशन रहता है इसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आता है? नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आता है। पर यही तो ट्रिक है कि हम इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग, हमारा जो बॉडी है ना इनको अपने अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है या एक्सहेल करता है। कैसे करता है, इसको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, वो है आपका डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ये होता है, मान लीजिए ये कोई एक मेम्ब्रेन है, ये कोई एक झिल्ली है, ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, क्लियर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो पोर्शन है वहां पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। इसके जस्ट अपोजिट यहां भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, यहां पे कुछ आपको डिफरेंस समझ आ रहा है क्या? देखिए, यहां पे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम है, यहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है। और आपको पता होगा कि डिफ्यूजन में क्या रहता है, जहां पे लो कंसंट्रेशन रहता है वहां पे क्या रहती है, चीजें आनी रहती है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से चीजें कहां आएंगी, लो कंसंट्रेशन में। और यहां भी फिर से प्रोसेस होगा कि यहां पे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इधर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की ओर। और यही तो होता है रेस्पिरेशन में, यही तो होता है रेस्पिरेशन में। कैसे होता है तो ये समझ लीजिए कि देखिए, ये तो आपका लंग्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लंग्स आपको समझ आ गया। लंग्स के नीचे आपका क्या पाया जाता है, लंग्स के नीचे क्या पाया जाता है तो बता पाएगा? चलो आधे लोगों को तो पता चल गया होगा, यहां पे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। और ये डायफ्राम तो काम करता है भाई कि कैसे इंस्पिरेशन करना है और कैसा एक्सपिरेशन करना है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में गैस का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहता है और हमारे बॉडी के अंदर गैस का कंसंट्रेशन जो रहता है कम रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, बाहर से गैस को हमारे बॉडी के अंदर एंट्री देंगे।
एंट्री दिए, ये सारा प्रोसेस हुआ, आपके कहां तक आ गया, एल्वियोली तक आ गया। डायग्राम मिटा दिया है, डायग्राम इसलिए मिटाया क्योंकि मुझे थोड़ा जगह मिले, क्योंकि आपको ये डिफ्यूजन समझाने के लिए एक चीज आपको समझ आना चाहिए, गैस कंसंट्रेशन। गैस कंसंट्रेशन कहां, कितना गैस हम अंदर ले रहे हैं इसको ए मान लेते हैं, और कितना गैस हम बाहर छोड़ रहे हैं इसको, मतलब इसको वन और इसको टू मान लेते हैं। तीन गैसेस रहते हैं N2O2 और CO2। एटमॉस्फेयर से हम 79.04% क्या रहता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उतना ही नाइट्रोजन हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं भाई? अभी तो आपने बोला सर कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है वहां ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे काम का ही नहीं, नाइट्रोजन हमारे काम का ही नहीं है, इसलिए जितने अमाउंट में हमने लिया उतने में ही छोड़ दिया। और ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ही ऐसे बनी है कि जो गैस हमारे काम की नहीं है उसको जैसे लेते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। अब इसके बाद ऑक्सीजन कितना रहता है, 20.96 के आसपास रहता है ना, कहां पे, एटमॉस्फेयर पे, और हम इसको कितना छोड़ते जानते हैं, 16.02। देखिए ये कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब हमने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लिया और कम अमाउंट में ऑक्सीजन छोड़ा। क्यों छोड़ा, क्योंकि यही तो मैंने बताया ना, ब्रेकडाउन करते हैं ना ऑक्सीजन का, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो अगर ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा है, अब जितने अमाउंट में हमने लिया उसमें से आधा अमाउंट हमने यूज कर दिया, आधा नहीं मतलब जितना भी अमाउंट हमने यूज कर लिया, अब जो बच गया उसको छोड़ दे रहे हैं। वैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 0.03, और हम छोड़ते कितना है पता है आपको, 4.3 के आसपास, ठीक है, 28 रहता है, 4.38 के आसपास रहता है। अब यहां पे देखिए डिफरेंस, नाइट्रोजन को अगर मैं हटा दूं तो यहां पे आपको डिफरेंस मिलेगा कि ऑक्सीजन हमने ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब किया, मतलब अंदर लिया, इंस्पिरेशन किया, जबकि एक्सपिरेशन में हमने उसका अमाउंट को कम कर लिया, मतलब हमने क्या किया, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया, ऑक्सीजन को यूज किया। उसी के सेकंड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने बहुत कम अमाउंट क्या किया, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया, और देखिए बहुत ज्यादा अमाउंट हमने क्या किया, उसको बाहर छोड़ा। तो ये कहां बना, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था ना, कि जो आपका ब्लड था, ब्लड से आपका टिश्यू था, टिश्यू से आपका क्या था, फूड मटेरियल प्लस ऑक्सीजन बन रहा था, फिर यहाँ पे क्या था, CO2, यही तो है, बन रहा है, अभी हमारे काम का नहीं है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमने क्या किया, इसको वापस भेज दिया, कम अमाउंट में लिया, प्रोसेस हुआ, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमने उसको भी भेज दिया कि भाई तुम हमारे काम के नहीं हो, तुम हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल, चलो निकलो, गेट लॉस्ट, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे अमाउंट इसकी कम है, यहाँ पे इसकी अमाउंट ज्यादा है। तो यही है आपका ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कितने हिस्से में डिवाइड था, फिर से दो हिस्से में, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब देखिए एक और चीज आप समझिएगा, डायफ्राम का फैलना और सिकुड़ना भी आपको पता है, ठीक है, आपका स्टमक भी फैलता और सिकुड़ता है, जैसे ही इन मतलब हम सांस को अंदर लेते हैं, आप देखिए जब सांस अंदर जाता है तो आपका डायफ्राम भी सिकुड़ने लगता है, आपका लंग्स भी जो क्या है, सिकुड़ने लगता है, और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपिरेशन करते हैं, हम पूरे बॉडी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जो गैस है ना वो रिलीज, मतलब आपका बॉडी क्या होता है, फूल जाता है, स्वेल आने लगता है, इसी को श्रिंक और स्वेलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये आपको एक साल क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस है, श्रिंक और स्वेलिंग प्रोसेस, याद रखेंगे, फैलने और सिकुड़ने की, कौन फैलता और सिकुड़ता, आपके लंग्स और जो डायफ्राम है वो फैलते और सिकुड़ते हैं, ठीक है, आपकी जो ट्रैकिया है मैंने बताया ना, ये सारी चीजें क्या होती है, फैलते और सिकुड़ती है, और यही आपके किसके अंतर्गत आता है, रेस्पिरेशन के अंतर्गत। अब यहां तक तो चीजें आपको समझ आ गई होंगी, मतलब रेस्पिरेशन से जो रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो फिर भी एक रिव्यू कर लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, दो हिस्से में डिवाइडेड था, पहला क्या था आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा क्या था आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या था, एटमॉस्फेयर से गैस को कहां तक लाना, एल्वियोली तक लाना, और इंटरनल रेस्पिरेशन में मतलब क्या था आपका, एल्वियोली से गैस का ब्रेकडाउन होना, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उनका ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज बनना, फूड मटेरियल बनना, फूड मटेरियल से जो एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी और पानी को एब्जॉर्ब करना, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देना, ये किसके अंतर्गत था आपके, रेस्पिरेशन। फिर हमने ब्रीदिंग पढ़ा था, ब्रीदिंग के भी दो टाइप थे, पहला था इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर करना, और दूसरा था एक्सपिरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। तो ये आपका कंप्लीट जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम था, रेस्पिरेशन सिस्टम। आई होप ये आपको समझ आया हो, अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होती है तो आप बिल्कुल जो आपके कमेंट सेक्शन है वहां जाइए, या फिर आपके ग्रुप्स में जाइए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच।